हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग हैं आगरा में, और आगरा में अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का सबसे बड़ा स्पेशल अट्रैक्शन जो है ताजमहल, उसको देखने के लिए। अभी हम लोग सब लोग जस्ट होटल से अभी जस्ट निकला है रिफ्रेश होके, और ये भाई साहब जो है हम लोग को पूरा दिन हम लोग के साथ रहेंगे, हम लोग को गाइड करेंगे। गाइड मतलब गाड़ी में पूरा, ठीक है। और कुछ भी जगह जाना है और फोर्ट भी जाना है तो इन्होंने ही हम लोग को लेके जाएंगे। अच्छा, ताजमहल के तीन गेट है, साउथ गेट, वेस्ट गेट, ईस्ट गेट। जिस गेट पे मैं आपको ड्रॉप कर लूंगा उसी गेट पे आपको रिटर्न है। वहाँ पे टिकट वगैरह सब? हाँ, पैदल जाएंगे तो आपको 600 मीटर 700 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। और वैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, बैटरी रिक्शा, वो लेगा 50 रुपए जाने का, 50 रुपए आने का, वो मेरी गाड़ी पर ड्रॉप करके जाएगा। बट वो कितना पर हेड? 50 रुपए नहीं, सब लोगों का 50 जाने का, 50 आने का। और किसी की बातों पता ना, परचेसिंग मत करना। 100 रुपए की चीज 500 की मिलती है उधर। अच्छा, टूरिस्ट प्लेस है, आपको वो चीज बाहर से लोगे सस्ती मिलेगी। पेटा वगैरह चाहिए अपने खाने के लिए तो अच्छा बढ़िया मैं दिला दूंगा आपको। आनी का ताजमहल के पास का सेकंड का रहता है, सेकंड का तो एक दो दिन में खराब हो जाता है। अच्छा पेटा जो होता है वो कम से कम चलता है 1 महीने। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी से उतर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे टोटो है, इस टोटो में वहाँ से जाएंगे। आ जाओ। और ये हम लोग जो जाएंगे बेस्ट गेट से जाएंगे। क्या हुआ? तो अभी हम लोग सब टोटो में जा रहे हैं यहाँ पे, और ये है टोटो। और टोटो में आपको आने जाने के लिए आपका 50-100 रुपीज़ यहाँ पे लगेगा, मतलब पर पर्सन 10 रुपीज़ करके है। यहाँ पे और एक चीज़ है कि आपको ओनली पर्स, पानी का बोतल, मोबाइल, एक कैमरा अलाउड है। बाकी जो है चार्जर, पावर बैंक, एक्स्ट्रा बैटरी कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको गाड़ी में, जो गाड़ी में आएंगे वहाँ पे छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोग सब गाड़ी में भी छोड़ा है, तो गाड़ी में छोड़ के हम लोग जा रहे हैं। ओनली मोबाइल एंड जस्ट एक बैग लेके जा रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है, पानी का बॉटल ले लिया। जिस गेट से जाना उसी गेट से आना। हाँ, तो गेट का नाम क्या है? वेस्टर्न गेट। वेस्टर्न गेट जी सर। आपका नंबर दीजिए। 97। ताज ईस्ट गेट, वेस्टर्न गेट। अच्छा, ये वेस्टर्न गेट। यहाँ पे तीन गेट है, ईस्ट गेट, साउथ गेट एंड वेस्टर्न गेट। तो हम लोग जा रहे हैं वेस्टर्न गेट की तरफ। तो यहाँ पे पूरा मार्केट बैठा हुआ है, छोटा सा मार्केट है ताज के बाहर। वेस्टर्न गेट, ये वेस्टर्न गेट, वेस्टर्न गेट का ताज मार्केट यहाँ पे उधर जाना है। सेंट्रल बैंक पे आना है। कहाँ से जाना है? वेस्टर्न गेट एंट्रेंस, वेस्टर्न गेट एग्जिट सर, लैंडमार्क है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर, यहीं आ जाना। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लैंडमार्क है, तो यहाँ पे उतर के हम लोग जाएंगे। कहाँ, किस तरफ से जाना है? इधर से। ओके, वेस्टर्न गेट। तो ये यहाँ पे एंट्री गेट है और यहीं पे आपको ड्रॉप कर देगा। हम लोग यहीं पे ड्रॉप कर गया और यहाँ से अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ऑनलाइन जो ऊपर टिकट मिलेगा, टिकट नीचे ना, टिकट ऊपर मिलेगा आपको। आपके अंदर फोटो भी खिंचवाएगा, फोटोग्राफर से पूछेगा। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के अंदर में, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रहा है, उतना भीड़ तो लग ही नहीं रहा है। तो अभी हम लोग टिकट बनवाया है ऑनलाइन पे, जो 45 करके टिकट है, अप टू 15 ईयर्स ओल्ड जो चिल्ड्रेन है उसके लिए फ्री है, बाकी ऑल एडल्ट के लिए आपका 45 रुपीज़ करके लगेगा। और ये 45 रुपीज़ करके आप एंट्री करके उसके बाद फिर टॉम में जाने के लिए आपको 200 रुपीज़ एडिशनल लगेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगा हुआ है, और ये आई थिंक एग्जिट है, इधर से एग्जिट हो रहा है और एंट्री आई थिंक उस तरफ से होगा। ये लॉकर है, और इधर से इतना लाइन लगा हुआ है जिसका भीड़ है यहाँ पे एंट्री के लिए।
तो यहाँ पे भी स्कैन करके डायरेक्टली आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है और अंदर में टिकट काउंटर है और यहाँ पे डायरेक्ट स्कैन लगा सकते हैं। यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है ताजमहल ऑनलाइन बुकिंग, यहाँ पे डायरेक्ट स्कैन करके कर सकते हैं। यहाँ पे पानी पानी का भी यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे पानी भी ले सकते हैं। और ये लंबा सा लाइन है जो एंट्री के लिए, इतना लंबा लाइन है, बाप रे, ओ माय गॉड। यहाँ पे एक्चुअली बोल रहा है कि गाइड लेने के लिए, गाइड जो लेगा वो बोल रहा है कि अलग से यहाँ पे अंदर में एंट्री करवा देगा। ताजमहल वेस्ट गेट, आई थिंक ये बाहर निकलने का जगह है। हाँ, यहाँ से बाहर निकल रहा है और ये है एंट्री। तो अभी हम लोग आ गए हैं, वो अंदर में ताज दिख रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक गाइड लिया हुआ है। जैसे भैया आप इस एरिया में खड़े हैं, इसको बुलाता है फोर कोर्ट एरिया से कहा फोर गेट फोर गार्डन। पहला जो गेट है ईस्ट गेट, वीआईपी गेट, जितने जो वीआईपी लोग आते हैं सब उस गेट से आते हैं। Okay. दूसरा है बेस्ट गेट, लोकल गेट, जितने जो लोकल आते हैं सब इस गेट से आते हैं। तीसरा जो है वो है साउथ गेट, लेबर कॉलोनी गेट, जितनी जो 20,000 लेबर आती थी ना सब वहीं से आती थी, अब भी आवाज़ उसके पीछे है। मेन गेट है रॉयल गेट, जो ताजमहल जाने का एंट्री जो गेट है वो रॉयल गेट है। इसकी जो हाइट है सब 5 फीट की है। वो आपने डोम देखे छोटे वाले जो बीच में लगे हैं, काउंट करिए कितने, 11 से आगे 11 से बैक साइड पीछे हैं। 22 डोम्स है, 1 डोम 1 ईयर, 2 डोम 2 ईयर, 22 डोम से 22 ईयर्स लगे ताजमहल कम्प्लीट होने में। जैसे आपने गेट के अंदर फ्लावर देखे, आपको दिख रहा होगा पेंट और कलर, ना कोई पेंट ना कोई कलर, सब रियल स्टोन सब रियल जेम्स है। आपको दिखने में पेंट और कलर और पेंट लग रहा है वो। इसके बगल में रिटेल वाली प्लेस लगेगी, ये मॉर्निंग के टाइम पड़ जाती है मुस्लिम लोग में, सूर्य अल्प पसंद। जो आपने रूम देखे ये 210 रूम बने हैं टोटल, आगे और पीछे मिला के। जो पहले मीना बाजार लगता था वो पहले अंदर की साइड ही लगता था, गवर्नमेंट उसको बंद कर दी गंदी की वजह से। अब जो सेल होता बाहर की साइड सेल होता लेबर कॉलोनी गेट पे। साझे तीन बाइक थी, एक का नाम था फतेहपुरी बेगम वेस्ट गेट के पास, दूसरे नाम था सली बेगम ईस्ट गेट के पास, थर्ड बाइक जो थी वो थी मुमताज। मुमताज का जो असली नाम था अंजुम बेगम था। तो ये कौन सा गेट है, ये इस गेट से मेन एंट्री था क्या? नहीं नहीं, ये लेबर कॉलोनी गेट है, जो लेबर कॉलोनी गेट है। तो साझे जितनी लेबर आती थी ना वो हमेशा आती थी, अब भी आवाज उसके पीछे है। तो ये मेन गेट है। इतना सारा यहाँ पे लोग आ रहा है, बहुत सारा लोग आ रहा है। यहाँ पे जितना हम लोग पास जाने की कोशिश कर रहे हैं सामने से दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा जरूर चला जा रहा है। ब्यूटीफुल, हम लोग अभी ताज के सामने खड़े हुए, ये ताज है यहाँ पे, दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे भीड़ भी आज बहुत ही है, आज सैटरडे है तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अंदर में। देखिए भैया सेम डिज़ाइन आगे से है, गेट का सेम पीछे से है, सिमेट्रिकल है। तो भैया ये ताजमहल जो बनना चालू हुआ था वो 1631 के अंदर बनना चालू हुआ था, और कंप्लीट जो हुआ था वो 1653 के अंदर 22 साल के अंदर। 5 साल के अंदर 4 गेट, 1 गेस्ट हाउस, 1 मस्जिद। 17 साल में रेडी हुआ था ताजमहल। ताजमहल की जो हमारे 243 की जो मिलाने
तो ये म्यूजियम है उसी okay. सामने बनाया गया ड्रम हाउस सीधा ड्रामा हाउस साजे जितने भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत करता है ड्रम के साथ उस टाइम पे ड्रम बजते थे वहाँ पे यह वीआईपी है जितने भी वीआईपी लोग आते हैं व्यक्ति खेती की जाते हैं लोग लोग बहुत सामने जाने की कोशिश कर रहा है अभी जितना चल के आ रहा है लग रहा है कि बहुत दूर है उधर साइड जो देखेंगे वो है मेहमान खाना गेस्ट हाउस जो साजे जितने भी गेस्ट आते हैं वो इसके लिखते हैं मेहमान खाना गेस्ट हाउस में सेम डिज़ाइन दिया गया मस्जिद का उधर साइड मस्जिद मॉस्क वो फाइव साइड साइड तीन खुलती है और 1200 जो लोकल मुस्लिम लोग आ रहे हैं उसमें नमाज पढ़ते हैं जो साजे और मुमताज की जो रियल कवर है वो इसके नीचे आके बैट्समैन में डुप्लीकेट कवर जो है वो ऊपर है वो साथ में जब वो खुलती है सारे मुमताज की बर्सी होती है ना उस टाइम पे खुली जाती है रियल कवर माफ हाँ अभी आपको 200 रुपये टिकट में आपको डुप्लीकेट कवर देखने को मिलेगी जैसे आप मैम ताजमहल जगह आगे भी देख रहे थे सेम 400 सिमेट्रिकल है सेम डिजाइन 400 मगर ऊपर का जो मेटल है ना वो आगे और पीछे से दिखाई देगा आपको साइडों से आपको नहीं दिखाई देगा साइड में जो तीन कलर का होता है आप सुबह सनराइज में साइड में देखेंगे हल्का पिंक कलर का दिखेगा इवनिंग के टाइम पर व्हाइट और सनसाइड के टाइम पर ऑरेंज जैसे सुबह पूरा लाइट मारेंगे पूरे उसमें फैनिंग करता है ग्लो होता है एक होती है मून लाइट चांदनी था उसको वहाँ से दिखाया था मेन गेट पे से जैसे सुबह जो टॉर्च जो गाइड मारती है ना जो गाइड है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक कर रहा है सबके लिए जो कि बहुत ही पसंद लग रहा है इतना डिफरेंट पोज में ये लोग फोटो उठा रहा है नहीं तो ये ऊपर में जाने के लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा फेयर टिकट लेना पड़ेगा हम लोग जो बाहर में लिया है वो 50 रुपीज़ का 45 रुपीज़ का टिकट है अभी वहाँ पे जाने के लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके फिर जाना पड़ेगा ऊपर में अलाउड नहीं है यहाँ पे जो टिकट है यहाँ पे उधर टिकट लेने के बाद फिर यहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा ये लाइन लगा के फिर अंदर वहाँ पे जाना पड़ेगा ताजमहल का तट पे यहाँ पे यमुना है ये यमुना नदी है ये है यमुना नदी खाली जगह देखा था फैक्ट्री था जो पुलिस ने चक्कर में वो बंद कर दिया गया धुएं के चक्कर में जो बैम्बू का साड़ी केले साड़ी बांस का साड़ी बनता था महिला लोग काम करते थे उनको पुलिस ने चक्कर को हटा दिया गया धुएं के चक्कर में अभी जो शिफ्ट कर दिया गया बाहर लेबर कॉलोनी गेट पर शिफ्ट कर दिया गया जैसे आपने आपने आप सुना पंची पेटा वो गाँव के लोग क्या कहते हैं 5000 दुकानें पंची पेटे वाली वो लोग क्या कहते हैं लौकी होती है मोटी होती है हम लोग फेंक देते हैं उसी लौकी का पेटे बनाए देते हैं सैकड़ के अंदर डाल के वो आपको 150 कहीं पे बॉक्स मिल जाएगा एक नाता था बाइक पंपिंग कद्दू का वो 20 से 25 दिन ब्राउ फ्री और इसके अंदर 2 टाइम रख के खा सकते हैं प्राची और प्राचीन का जैसा आपने स्वयं वर्क देखा है स्वयं वर्क अब भी कर रहा था उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली ने ताजमहल बनाया था
अभी हम लोग का कंप्लीट हो गया है ताजमहल देखना, और अभी बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। हम लोग का जो भाई साहब गाइड है ये भी अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया है, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, निकल के फिर जाएंगे फोर्ट में, तो सामने ही फोर्ट होगा। कितना दूर है फोर्ट यहाँ से? 3 किलोमीटर। तो इन गाइड का नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप आके यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है और अच्छी तरह आपको समझाएगा। ये जो है लेबर कॉलोनी, अभी हम लोग लंच के लिए आए हैं, और यहाँ पे नूडल्स पास्ता खत्म हो गया, 99 का वेज था, बिरयानी था, वेज ऑल वेज बिरयानी।